हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा अगेन विथ यू। तो क्या कभी आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि जो मुझे हेडेक हो रहा है उसका रीज़न जो बर्थ कंट्रोल पिल आप ले रही हैं वो हो सकता है? तो आपको हेड में जो ट्रबल हो रहा है उसके लिए अगर आपको ये लगता है कि आपका बर्थ कंट्रोल पिल या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये बर्थ कंट्रोल पिल आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है और ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि ये एक वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं तो हेडेक एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फीमेल्स फेस करती हैं। पहले ये समझते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल आपके बॉडी को क्या अफेक्ट करता है या फिर आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है। बर्थ कंट्रोल पिल, जिसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं, वो आपके बॉडी में प्रेगनेंसी होने से रोकता है, क्योंकि ये आपके बॉडी में जिस तरह से आपका हार्मोन रिलीज हो रहा है उसे चेंज करता है। हार्मोन्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है हमारे बॉडी में, जिसको हमारा बॉडी कई फंक्शंस में यूज़ करता है, और जो ऑर्गन हार्मोन्स निकालते हैं उसे हम ग्लैंड्स बोलते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके एग्जाम्पल होते हैं थायराइड ग्लैंड हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, और भी कई तरह से हमारे बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं। अब बर्थ कंट्रोल पिल प्रेगनेंसी को रोकता है बिकॉज ये हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी का मेन सेक्स हार्मोन्स होता है जैसे ईस्ट्रोजन, उसके लेवल में चेंजेस लाता है, या यूँ कहें कि ईस्ट्रोजन के रिलीज़ को रोकता है। अब अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे? ईस्ट्रोजन ना रिलीज होने के कारण हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसमें सबसे पहला होता है कि जो हर महीने हमारे बॉडी में एक मैच्योर एग रिलीज़ होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, वो नहीं निकलेगा। दूसरी बात, जो हमारा सर्वाइकल म्यूकोस होता है उसको थिकन कर देता है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब स्पर्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो वजाइना से होते हुए सर्विक्स पे पहुंचता है। अब सर्विक्स में वो सर्वाइकल म्यूकस में मिल करके अपने आप को एक प्रोटेक्टिव फ्लूड के अंदर कवर कर लेता है और सर्वाइकल फ्लूड के थ्रू वो यूट्रस में चला जाता है। अगर सर्वाइकल फ्लूड की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है नॉर्मल से तो वो स्पर्म के मूवमेंट में दिक्कत लाता है, बिकॉज स्पर्म अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता और एग के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता। और तीसरा चीज़ जो ये बर्थ कंट्रोल पिल हमारे बॉडी में करता है, वो जो हमारा यूट्रस की लाइनिंग होती है जो एक पर्टिकुलर थिकनेस पे चाहिए हमारे फर्टिलाइज एग को अपने साथ अटैच करने के लिए, वो नहीं होने देता। मतलब यूट्रस की लाइनिंग थिन हो जाती है, जिसकी वजह से अगर बाई चांस आपका एग फर्टिलाइज भी हो जाता है तो वो यूट्रस में अटैच नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स कितने तरह के होते हैं। बेसिकली हम ये जानते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला आता है कॉम्बिनेशन पिल और दूसरा आता है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। कॉम्बिनेशन पिल में दो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, और ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं और ईस्ट्रोजन के लेवल को एक स्टेडी लेवल पर रखते हैं। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब एक फीमेल की लाइफ में हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पहुंचने के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन लेवल पे, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, एंड देन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है उस दौरान आपका ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। बट बर्थ कंट्रोल पिल क्या करता है, आपके थ्रू आउट आपके बॉडी में जो ईस्ट्रोजन लेवल है उसको स्टेडी रखता है। इस वजह से क्या होता है, आपका जो एग जिस टाइम पे रिलीज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। दूसरी बात, आपके सर्वाइकल फ्लूड के कंसिस्टेंसी में ऑल्टरेशन लाता है ये, और आपके यूट्रस के लाइनिंग में भी ऑल्टरेशन लाता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। अब कॉम्बिनेशन पिल आपको दो तरह से अवेलेबल होता है, या तो 21 टैबलेट्स का आपका पैक होगा या तो 28 टैबलेट्स का पैक होगा। जो 21 टैबलेट का पैक है उसमें आपको 3 वीक्स तक टैबलेट लेना है, एंड जो लास्ट वीक होता है उसमें आपको टैबलेट नहीं लेना, बिकॉज उस दौरान आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चलेगा। और जो आपका दूसरा टाइप, दैट इज 28 पिल्स वाला जो आपका टैबलेट का पैकेट होता है, उसमें क्या होता है, आपको डेली लेना है टैबलेट, जिसमें कि आपको 3 वीक्स तक हार्मोनल टैबलेट्स लेनी है, और जो लास्ट वीक होता है आप बस टैबलेट लेते हो, बट उसमें कोई हार्मोन्स नहीं होता, बिकॉज
ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो डेली टैबलेट लेने का जो हैबिट है वो ना टूटे। अदरवाइज़ इसमें भी हार्मोनल थेरेपी आपको 3 वीक्स तक ही मिलती है और लास्ट वीक आपको प्लेसिबो टैबलेट्स मिलते हैं, मतलब विदाउट हार्मोन वाले टैबलेट मिलते हैं। उनका आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उस दौरान आपके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। और अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कंटिन्यूस डोज लेना चाहते हैं, लाइक अगर आप लॉन्ग टर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का डोज लेना चाहते हैं, तो इसकी वजह से आपके बॉडी में क्या इफेक्ट आता है, अगर आपको साल में 12 to 13 times अगर आपको पीरियड हो रहा है तो वो पीरियड आपको रिड्यूस होकर के 4 times या उससे भी कम हो जाएगा। ऑल्दो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है और आप 35 से कम हैं तो आप लॉन्ग टर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ कर सकती हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपके बॉडी में कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं हुई तो नेक्स्ट जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का टाइप है दैट इज़ प्रोजेस्टिन ओनली पिल। अब प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स जो होता है उसमें जो मेन हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टिन, बट उसमें प्रोजेस्टिन का लेवल कॉम्बिनेशन पिल से थोड़ा कम होता है। एंड इसे आप डेली लेते हैं, इसे हम मिनी पिल्स भी बोलते हैं। इसमें कोई प्लेसिबो थेरेपी नहीं होती, आपको रोज़ हार्मोन वाले टैबलेट लेने हैं। और इसका जो टॉलरेंस लेवल होता है, मतलब इसमें जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ईस्ट्रोजन के, वो कम होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होता है जब आप बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ फीमेल्स जिनको पीरियड के टाइम पे या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हेडेक होता है, जिसको कि हम मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी बोलते हैं, इसका रीज़न होता है कि आपके बॉडी में हार्मोनल लेवल या फिर ईस्ट्रोजन लेवल का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है नॉर्मली। बट अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं तो इसमें क्या हो गया, आपके ईस्ट्रोजन लेवल को बॉडी एक स्टेडी लेवल पर रखता है, जिसकी वजह से कुछ फीमेल्स में तो अगर आपको नॉर्मली हेडेक की प्रॉब्लम है तो कुछ फीमेल्स में इसमें राहत मिलती है हेडेक की प्रॉब्लम में। बट कुछ फीमेल्स में अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तो जो हार्मोनल लेवल ड्रॉप होता है जिस समय वो बर्थ कंट्रोल पिल नहीं ले रही होती है या फिर जिस समय वो प्लेसिबो थेरेपी ले रही होती है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, उस समय उनका जो ईस्ट्रोजन लेवल में ड्रॉप आता है उसकी वजह से उनको और सीवियर हेडेक हो जाता है। तो क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, हर फीमेल का रिएक्शन अलग होता है टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आप ये जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि उसकी वजह से आपको हेडेक होगा ही, या फिर एक स्ट्रिक्ट रूल आप नहीं बना सकते कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो तो आपको हेडेक होगा ही। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि फीमेल्स में हेडेक हो सकता है, स्पेशली जब आप इनिशियली बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं उस समय। जैसे जैसे आपका बॉडी उस चीज़ को लेके हैबिचुएटेड हो जाता है तो ये हेडेक की प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो हेडेक का बेसिक रीज़न जो होता है वो ये होता है कि आप चाहे बर्थ कंट्रोल पिल ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, उसमें जो आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल में जो रिडक्शन होता है उसकी वजह से आपके सिर में प्रॉब्लम आती है या फिर आपको हेडेक जैसी प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रही हैं तो आपको और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ सकता है, नौजिया हो सकता है आपको, लाइक वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है, बीपी आपका बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, आपको इररेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर इन बिटवीन द पीरियड्स नॉर्मल डेज में भी आपको स्पॉटिंग दिख सकती है। और जो इन बिटवीन द पीरियड आपको स्पॉटिंग दिखती है उसको हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं, और ये जनरली तब दिखती है जब आप प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स लेती हैं और ये अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। इनिशियल डेज़ में ये प्रॉब्लम होती है, ऑल दो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपको एक्नी की प्रॉब्लम हो जाए या फिर और अदर स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, आप थकान हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, स्पेशली अगर फीमेल्स में एस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो और ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं उन फीमेल्स में। अब बात करते हैं बर्थ कंट्रोल पिल किसके लिए रिस्क की हो सकता है, या तो बेसिकली अगर आप हेल्दी फीमेल हैं तो बर्थ कंट्रोल पिल जनरली सेफ होता है, इफ़ेक्टिव होता है और वेल टॉलरेटेड होता है, मतलब आप उसको अगर लेती हैं तो आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट अगर आप 35 ईयर्स से अबव हैं तो आपको बर्थ कंट्रोल पिल लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तब आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर को, या फिर अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं उस केस में भी आपको बर्थ कंट्रोल पिल लेने में डॉक्टर से बात करना है, बिकॉज इस दौरान अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो तो बर्थ कंट्रोल पिल की जो एफिकेसी होती है या जो इफ़ेक्टिवनेस होता है वो कम हो जाती है। या फिर अगर आपको कोई और डिजीज़ है, लाइक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है। इसके साथ साथ
अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तब आपको डॉक्टर से बात करनी है। आपके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की प्रॉब्लम है या फिर आपको माइग्रेन है विथ ऑरा, डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके बॉडी में है तब। अब बात करते हैं कि इस तरह की हेडेक को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप अपने पिल्स को एक ही टाइम पे लें। अगर आप मॉर्निंग में ले रही हैं तो नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे मॉर्निंग में लें, बिकॉज़ इस तरह से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन की लेवल है वो स्टेडी रहेगी। अगर आप पिल्स सुबह ले रही हैं और नेक्स्ट डे अगर आप सुबह नहीं ले करके दोपहर में ले रही हैं तो जो गैप बनता है उसमें जो फॉल होता है ईस्ट्रोजन के लेवल में, उसकी वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं और हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर टू टेक योर पिल्स एट द सेम टाइम एवरी डे। दूसरी बात यह होती है कि अगर आप पिल्स टाइम पे नहीं ले रही हैं और आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशन हो रहा है हॉर्मोन्स का, तो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी बनी रहती है। तीसरी चीज़ ये कि आप अपने पीरियड आने से पहले जिस वीक आपको दवाई नहीं लेनी है, आप उससे पहले ही ओवर द काउंटर कुछ ड्रग्स या फिर पेन रिलीवर्स ले सकती हैं जिससे कि आपको हेडेक की प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं अगर प्रिवेंट नहीं हो पाया तो उसे ट्रीट कैसे करेंगे। अगर हेडेक आपको हो रहा है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, तो बहुत सारे ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया, इस तरह के ड्रग्स को आप ले सकती हैं। अदरवाइज़ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं जो डॉक्टर्स आपको देते हैं वो आप ले सकते हैं। आइस पैक आप लगा सकते हैं अपने हेड और नेक पे, जैसे मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, आइस पैक लगाने से आपके जो एरिया के नर्व्स होते हैं वो नम हो जाते हैं, जो की वजह से जो पेन सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है। या फिर आप रिलैक्सेशन थेरेपी ले सकती हैं, बायोफीडबैक थेरेपी होता है जो डॉक्टर्स आपको देते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक मसल्स होता है जिससे वो रिलैक्स किया जाता है, और एक्यूपंक्चर थेरेपी आप ले सकती हैं। तो क्योंकि हर फीमेल अलग होती है, हर फीमेल की बॉडी का रिएक्शन अलग होता है टू द बर्थ कंट्रोल पिल, तो कौन सा बर्थ कंट्रोल पिल आपके लिए सही है और कौन आपके बॉडी के लिए वेल टॉलरेटेड है, इसके लिए एक ट्रायल एंड एरर मेथड आपके डॉक्टर आपके साथ करते हैं। या तो आपको फर्स्ट टाइम ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से आपको बात करनी चाहिए। जनरली जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होता है वो ज़्यादा वेल टॉलरेटेड होता है फीमेल्स में, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज वो आप डेली लेते हो। बट जो कॉम्बिनेशन पिल होता है, क्योंकि उसमें ब्रेक आता है, प्लेसिबो थेरेपी होती है, तो उसमें जो ईस्ट्रोजन लेवल का फॉल होता है उसकी वजह से हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं और अगर वो आपको दिक्कत दे रहे हैं तो आपको अपने बर्थ कंट्रोल पिल को स्विच करना चाहिए फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, या फिर हाई डोज टू लो डोज। अदरवाइज़ जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो जनरली सेफ़ होती हैं लॉन्ग टर्म भी अगर आप यूज़ करते हैं तो, और अगर आप हेल्दी फीमेल्स हैं तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।